हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंप्लीट कर लिया और आज चलेगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखिए, जो पहली ट्रेड यूनियन है इंडिया के अंदर, जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनी वो बनी मद्रास लेबर यूनियन, जो बनी 1918 में। और उसके बाद ऐसी यूनियंस बनने का सिलसिला लगातार चलता रहा और 1920 से 26 के बीच में काफ़ी स्ट्राइक्स इंडिया में हुई। ये स्ट्राइक्स या ये कह दो हड़ताल करने का पीरियड कहलाता है, ठीक है। और 1919 में आईएलओ, इसका भी गठन हुआ। और उसी के बाद ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये अस्तित्व में आया, ठीक है। ये जो ट्रेड यूनियन है, न केवल यूनियन ऑफ वर्कर्स बल्कि एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये पूरे इंडिया में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन है, कैसा, टेम्परेरी या परमानेंट। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस दो पर्पस है, ठीक है। पहला पर्पस क्या है? टू रेगुलेट। रेगुलेट करना किसको? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के संबंधों को, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के संबंधों को, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के संबंधों को रेगुलेट करना, विनियमित करना। दूसरा इसका पर्पस क्या है? दूसरा इसका पर्पस है, कोई ट्रेड है या बिजनेस है उस पर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन इम्पोज करना। कोई ट्रेड या बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, ठीक है, निर्बंधन आरोपित करना, ये इसका दूसरा पर्पस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री ये क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ये क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी एक रजिस्टर, एक पर्सन को, जो क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन होगा। और ये रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन हर एक स्टेट, हर एक राज्य के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में पर्सन को जितने वो ठीक समझे क्या कर सकती है, एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है, जितने भी वो ठीक समझे। और ये एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की सुप्रिंटेंडेंस और उसकी डायरेक्शन में अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे और अपने फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे। ये व्यवस्था सेक्शन थ्री में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन फोर की तरफ। सेक्शन फोर क्या है? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का ढंग क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन का ढंग, भैया सबसे पहले एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन भेजो किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। चलिए ठीक, जो एप्लीकेशन जाएगी उसमें 7 या 7 से ज्यादा लोग अपने नाम के हस्ताक्षर करेंगे, जो उस ट्रेड यूनियन के रूल्स से एग्री हो। 7 या 7 से ज्यादा लोग, मेनली जिन्होंने ट्रेड यूनियन को बनाया है, जो खास खास लोग हैं वो 7 या 7 से ज्यादा लोग। दूसरी बात, उस ट्रेड यूनियन में जितने उस इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, उसका 10% या 100, ठीक है, विच एवर इज लेस, जो भी इनमें से कम हो वो उस पर जो है एप्लीकेशन देते वक्त हस्ताक्षर करें। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में 1200 लोग हैं, तो 1200 का 10% कितना हो गया? 120। तो 120 लोग उस पर जो है साइन करें। मान लो किसी कंपनी में 800 लोग हैं, तो उसका 80% 10% हो गया 80, तो 80 लोग साइन करेंगे उस पर, ठीक है, जो एप्लीकेशन दी जा रही है, ठीक है। इसमें नोट कर लेना एक बार कि यदि आधे से एप्लीकेशन अभी दी है और उसका
अभी वो दी गई है बस। तो अगर आधे से ज्यादा लोग क्या कर लें, उसके मेंबर ना रहें, उसके सदस्य ना रहें, या फिर वो एक्सप्रेसली डिसएसोसिएट कर दे, ठीक है, एक्सप्रेसली डिसएसोसिएट कर दे अपने आप को, तो वो एप्लीकेशन क्या करते जाएगी, डीम्ड इनवैलिड, इनवैलिड हो जाएगी वो, ये इसको ध्यान रखना है। अब सेक्शन फाइव, सेक्शन फाइव क्या कहता है, सेक्शन फाइव कहता है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना। कैसे आवेदन करोगे, पहली बार एप्लीकेशन जब सेंड की जाएगी तो उसके साथ रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन की एक कॉपी, रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन की एक कॉपी भेजी जाएगी, और उसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा। स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में होगा नंबर वन नेम ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसका नेम ऑक्यूपेशन और एड्रेस, ठीक। दूसरा नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का क्या नाम है, और एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का एड्रेस। तीसरी बात, ठीक है, जो ऑफिस बियरर है ट्रेड यूनियन के, ऑफिस बियरर जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनके टाइटल नेम एज एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, ये उसमें पर्टिकुलर्स आएंगे। और ट्रेड यूनियन अगर एक साल से ज्यादा समय से एग्जिस्ट कर रही है, एक साल से ज्यादा हो गया उसको, तो एक जनरल स्टेटमेंट लिखा, जनरल स्टेटमेंट भी जाएगा जिसमें उसके असेट्स के संबंध में और उसकी लाइबिलिटीज, ये इन चीजों को हम डालेंगे, ठीक है। तो आज हमने ट्रेड यूनियन को स्टार्ट किया, ट्रेड यूनियन देख लिया क्या है, सेक्शन थ्री देख लिया रजिस्ट्रार के संबंध में, सेक्शन फोर और फाइव मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड फाइव एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसमें हिस्सा आगे डिस्कस करें।